सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि आपके राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 24 मई 2021 सोमवार आपके राशि फल के बारे में। यह समय जिनका भी बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप दिन दोगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें। दोस्तों, आज हम जानेंगे आपकी लव, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपके राशि पर क्या होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफ़ी अच्छे विचार दिए गए हैं, आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। आज 24 मई 2021 दिन सोमवार का है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के 3:38 से लेकर ठीक अगले दिन के रात्रि के 12:11 तक चलेगा, और इसके उपरांत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो चित्रा नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह ठीक सुबह के 9:49 तक चलेगा, और इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। योग की बात करें तो व्यातिपात नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक सुबह के 11:13 तक चलेगा, और इसके उपरांत वरियान नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय का समय है सुबह के 5:46 पर, और सूर्यास्त होगा ठीक शाम के 7:01 पर, और चंद्र उदय होगा ठीक शाम के 4:52 पर, और चंद्रास्त का समय है वो ठीक सुबह के 4:35 पर। सूर्य राशि रहेगा वृषभ राशि पर, और चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगा। अर्थात आज का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो यह सुबह के 11:57 से लेकर ठीक दोपहर 12:50 तक चलेगा। अर्थात आज का अशुभ यह सुबह के 7:25 से लेकर ठीक सुबह के 9:05 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी तरह के महत्वपूर्ण कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। आचार्य चाणक्य की नीति ज्ञान, ये रहा आज आपके लिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि बहुत दर्द होता है उस वक्त हमें जब हम किसी पर अंधे की तरह विश्वास करें और वो हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। कभी पीठ पीछे अगर आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। चलिए जानते हैं अब आपके डेली राशि फल। जी हाँ, हम आपके डेली राशि फल की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बता दें, आज आपके लिए लकी नंबर यानी कि भाग्यशाली अंक जो है वो आज आपके लिए 8 रहेगा, और सितारे आज आपके बता रहे हैं कि घरेलू परेशानियां आपको तनाव दे सकती है, और चंद्र की स्थिति की वजह से आज आपका धन बेवजह की चीज़ों पर खर्च हो सकता है। हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको धन संचय करके रखना है तो अपने जीवन साथी या माता पिता से इस बारे में बात करें,
अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने अपने अच्छे दोस्तों को बुलाएं। ऐसे कई लोग होंगे जो आपका उत्साह बढ़ाएंगे। हम आपको बताना चाहेंगे यह समय मोहब्बत की टीस आज रात आपको सोने नहीं देगी और यह समय दीवार सपनों में समय खपाना नुकसान दे रहेगा। हम आपको बताना चाहेंगे इस मुगालते में न रहे कि दूसरे आपका काम करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं तो वो आज आपसे शिकायत कर सकती हैं क्योंकि आप उनको पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे अपने बच्चों के साथ अधिक से अधिक ध्यान दें और उनका समय देने का कोशिश करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम आपको बताना चाहेंगे यह समय अलग अलग नज़रिए के चलते आपके और आपके जीवन साथी के बीच वाद विवाद हो सकता है, इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे आप आज वादों विवादों से दूर रहें और बातों को अधिक लंबा न खींचें। अगर आप बातों को बढ़ावा देंगे तो विवाद और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है, इसलिए उनसे दूरी बना के रहें और हो सके तो अकेले में समय बिताने की कोशिश करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आज आपके लिए उपाय की बात करें, तांबे का कड़ा धारण करने से स्वास्थ्य बना रहेगा। दोस्तों, अगर इन बातों से आप सहमत हैं तो वीडियोस को अभी लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।